राजस्थान से भगवान बद्री विशाल के दर तक हजारों किलोमीटर भक्तों की दंडवत यात्रा। हमसे भगवान की इतनी कृपा रही है, एक दिन सबरे सोरे तो कीड़ा सांप आया था तो इसका टक्कर मारी, इसका टक्कर मारी बसा उसका मुंह नहीं खुला। यहाँ आस्था की कोई सीमा नहीं, न ही ईश्वर को पाने की चाहत उम्र देखती है। ये लोग जो आपको नजर आ रहे हैं वो दिखने में तो जरूर आपको बूढ़े नजर आएंगे, लेकिन इनका हौसला इतना जवान है कि ये हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान से भगवान बद्री विशाल की चाहत में दंडवत यात्रा करने निकले हुए हैं, और इनकी यात्रा अब कुछ दिनों में पूरी भी हो जाएगी। विश्वास की जो ये तस्वीरें हैं देख सकते हैं, 1000 किलोमीटर इस तरह दंडवत करते हुए ये श्रद्धालु राजस्थान के डूंगरपुरा से चले हुए हैं, और देख सकते हैं किस तरह से अद्भुत आस्था इनमें दिखाई दे रही है। बुजुर्ग हैं, किस तरह से मौसम की बेरुखी हर चीज ने इनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन अब ये बद्रीनाथ धाम से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और इनकी आस्था देख सकते हैं किस तरह से ये लेट लेट कर भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। भगवान बद्री विशाल के दर पर पहुंचने के लिए राजस्थान के इन 11 श्रद्धालुओं ने पिछले साल 6 अगस्त को यह यात्रा शुरू की थी, और अगर आप इन लोगों को करीब से देखेंगे तो बाबा के इन भक्तों के पांव में चप्पलें तक आपको नजर नहीं आएंगी, लेकिन आपको इनके चेहरे पर बाबा बद्री विशाल के प्रति इनकी अटूट आस्था नजर आएगी। इनके पास मीलू लंबी इस यात्रा के दौरान केवल आपको एक रिक्शे में खाने का सामान और कुछ कपड़े ही दिखेंगे, साथ में एक गैस और चूल्हा मिलेगा जो इनकी इस विशाल यात्रा में इनके जीने का सहारा बना हुआ है। मौसम की मार, पहाड़, मैदान सब लांघकर अब जब ये लोग बाबा के दर पर पहुंचेंगे तो आने वाली 27 अप्रैल को इनकी 1 साल की कठोर साधना पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से आपको बाबा बद्री विशाल के इन भक्तों से मिलवाते हैं जिनकी कठोर साधना देख हर कोई हैरान है। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं, और अब चारधाम जो यात्रा मार्ग है उस पे चारधाम यात्रा की रौनक देखने को मिलने लग गई है। मेरे साथ देख सकते हैं ये राजस्थान के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, ये 6 अगस्त 2022 से बद्रीनाथ धाम के लिए दंडवत करते हुए बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हुए हैं। ये सारे राजस्थान से करौली लगभग 1000 किलोमीटर का सफ़र अब तक क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि अब ये जोशी मठ के पास पहुंच चुके हैं, हेलंग के करीब इस समय ये लोग पहुंचे हैं। धूप है, बारिश है, हर मौसम हर परेशानी इन्होंने झेल दी है, और अब ये यहाँ से अब इन्हें कुछ ही दिन में, मतलब ये कपाट खुलने से पहले ही इस बार क्योंकि बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब ये बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। ऐसे में जानते हैं क्या इनकी आस्था है, कहाँ से ये चले थे। जी माता जी, क्या नाम है आपका? राम भाई। राम भाई मीना। कहाँ से आए हो? चौधरीपुरा, करौली जिला। आधीरपुरा से, करौली जिला। कहाँ जाना है? बद्रीनाथ। कब चले थे? 6 अगस्त को। वहीं दूसरे जो इनके साथ चल रहे हैं उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है? बिरजू गुजर है साहब। कब चले थे? 6 अगस्त को चले महाराज। कितने लोग दंडवत करते हुए जा रहे हैं? 7 लोग तो दंडवत आ रहे हैं, और ये हमारे 3 लोग हैं, ये 4 हैं जो सेवा, और ये इनकी दुआ देते हैं, ऐसी व्यवस्था चल रही है। दंडवती 7 अंक की है। क्यों सोचा कि दंडवत करते हुए जाना है? के अभी महाराज हमारे वृंदावन में चले दंडवती यात्रा, और ये सोच है हमारे तो भगवान के चरण ढोक लगाया बद्रीनाथ के। ये अब करीब पहुँच चुके हो तो कैसा लग रहा है? अरे बढ़िया, उत्तराखंड भवन है तो महाराज चले घर से जाना थी, अच्छा ही अच्छा लग रहा है, कोई तरह की परेशानी बात करते नहीं तुम बारे। आपका क्या नाम है? चौबे गुजर। जी चौबे गुजर, राम ले जाओ। मौसम कैसे कैसे परेशान किया है यहाँ तक पहुँचने में? साहब अपन को कोई परेशानी ना आई, भगवान खूब टाइम टाइम से खाना मिला, टाइम टाइम से सोए, कोई परेशानी ना आई, पर यहाँ गए जब बहुत बढ़िया लग रहा हमें तो। अब हमारे जिले बाबा के दर्शन है जाए। पैरों पे दर्द नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बाबा की मर्जी। जब बाबा समझ लेते हैं जब हल्का ही है जाती है शरीर में,
जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम मीणा है साहब, गांव बुढ़ापुरा है, तहसील करौली, जिला करौली। कैसे यात्रा करने का सोचा इतना लंबा पैदल पुदल? ऐसा सबसे बड़ी बड़ी भक्ति मानते हैं जब भैया शरण भगवान, हम तो कल इतना प्रिया कर रहे हैं भगवान हमारा ऐसा काम हो जाए, ऐसा चलते चले आए महाराज, हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। लेडी खाता एक दिन हाथी मिला जंगल में और साहब खूब कोई परेशानी नहीं आई है। यहाँ उत्तराखंड में आ गए तो भाई साहब यहाँ भी लोगों ने बहुत हम पर सहायता करी है, सब ने सहायता की है, ये हमारे परिवार है, यही हमारा उत्तराखंड है। अब तो आप ही भाई भैया बाप हो। माता जी क्या नाम है आपका? सावो। कैसा लग रहा है पैदल यात्रा कर रहे हो 8-9 महीने से? अच्छा आप लोग चल रहे हो? अच्छा लग रही है। क्या कहेंगे? अच्छा लग रही है। नो कह रही हूं। जी हमारे साथ और भी है मौजूद। कैसी यात्रा चल रही है, क्या कहेंगे, इतने लोगों के साथ चल रहे हो आप लोग 8-9 महीने से बाहर हो? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है उत्तराखंड के अंदर, जैसे हमने प्रवेश किया ना देवभूमि के अंदर, तो यहाँ के लोग आ गए, बहुत अच्छे लोग आ गए। हमें रुकने के लिए कहीं भी दुकान या कहीं भी एडजस्ट अपने आप ही कर देते हैं वो लोग, हम तो बस किसी भी गांव में पहुंच जाते हैं। हमें आज तक कोई परेशानी नहीं आई 8 महीने के अंदर। 8 महीने से आप लोग सड़क पे चल रहे हो, कोई बीमार हुआ हो, पैर दर्द, कई शिकायत है? ऐसी थोड़ी बहुत तकलीफ बुखार वगैरह ये तो हो ही जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो हमें मतलब इधर सर्दी भी ज़्यादा लगती है, हमारे यहाँ तो गर्मी है, यहाँ पे तो इतनी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, तो अब इतनी परेशानी तो आएगी थोड़ी बहुत, ये तो चलता है, लेकिन ऐसी खास कोई बात नहीं है। हमें अब तो बस हम ये सोच रहे हैं उसके दर्शन कैसे भी करके दर्शन हो जाए बस। वापसी कैसे होगी, ऐसे ही जाओगे या? हम गाड़ियों से जाएंगे, बस से, अपनी गाड़ियों से, कैसे भी ट्रेन से, जिसकी जैसी इच्छा होगी। हम सभी अलग अलग गांव से, एक गांव के रहने वाले नहीं है, हमारा गांव बुढ़ापुरा है करौली जिले के अंदर। ये है आस्था के रंग, जहां चारधाम यात्रा शुरू होने में अब 20 से 22 दिन शेष रह गए हैं, वहीं इस तरह से देश के कोने कोने से, और ये अभी पहला ग्रुप है जो यहाँ पे पहुँचा है। इसी तरह अनेकों श्रद्धालु इस समय पैदल यात्रा के लिए भगवान बद्री विशाल हो या फिर केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री के लिए निकले हुए हैं। इस समय बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे जगह जगह इस तरह की श्रद्धालुओं की तस्वीरें आ रही है, जिसमें आस्था इतनी ज़्यादा है कि ये लोग 8-9 महीने से घरों से बाहर निकले हैं पैदल चलने को, अपनी आस्था इस प्रकार दिखा रहे हैं कि पैदल चल रहे हैं दंडवत करते हुए लेटते लेटते भगवान बद्री विशाल के दर पे पहुँचने के लिए। कमल नैन सिलोड़ी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक।